नमस्कार मित्रों, मैथ क्लास में मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, यह ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला है जो कई बार बीटीसी एग्जाम में आए हुए हैं। आशा करता हूं मित्रों ये आपके भी एग्जाम में आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दोगुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मित्रों, इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले आपको प्रश्न की लैंग्वेज को समझना होता है, प्रश्न क्या कह रहा है। और अगर आप लैंग्वेज को आसानी से समझ गए तो प्रश्न सॉल्व अच्छी तरीके से यानी आसानी से कर लोगे। तो चलिए, माना श्रेया की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, जो हमें अज्ञात राशि होती है जिसका हमें पता नहीं होता है, हम उसे एक्स वर्ष मान लेते हैं। इसलिए हमने श्रेया की वर्तमान आयु जो कि हमें पता नहीं थी, इसलिए हमने एक्स वर्ष माना। जब श्रेया की आयु एक्स वर्ष है तो अर्जुन की वर्तमान आयु हो जाएगी 2x वर्ष, क्योंकि अर्जुन की आयु जो श्रेया की आयु की 2 गुनी है। लेकिन 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु, जैसे 5 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले या पूर्व में पूछा जाए तो उस आयु से उतनी संख्या घटाते हैं, अगर बाद में पूछा जाए तो उतनी संख्या उससे जोड़ते हैं। तो इसमें लिखा है 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु, तो 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु हो जाएगी एक्स माइनस 5 वर्ष। इसी तरह 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु हो जाएगी 2x माइनस के 5 वर्ष। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की 3 गुनी थी। तो अर्जुन की आयु हमारी 2x माइनस के 5 है और श्रेया की आयु एक्स माइनस 5 वर्ष है। तो अर्जुन की आयु 3 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो तो 3 गुनी थी, जब 3 गुनी करनी है तो श्रेया की आयु भी 3 गुनी होनी चाहिए, इसलिए हमने श्रेया की आयु में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2x माइनस 5 बराबर 3 ब्रैकेट में x माइनस 5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 5 बराबर 3x माइनस के 15। अब x गुणांकों को x की तरफ रखेंगे और अचर राशियों को अचर राशि पर रखेंगे, इसलिए 2x माइनस इसको इधर पक्षांतर किया तो ये प्लस का था जो माइनस हो जाएगा, 2x माइनस के 3x बराबर माइनस के 15, जबकि माइनस का 5 था जो उधर जाने पर बाएं पक्ष पर जाने पर प्लस का हो जाएगा, माइनस के 15 प्लस 5 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का x बचेगा और यहाँ माइनस के 10 बचेंगे, माइनस से माइनस हट जाएगा और x बराबर हमारे पास आएगा 10। अतः श्रेया की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो जाएगी, इसलिए अर्जुन की वर्तमान आयु 10 यानी 2 गुनी थी, इसलिए 2 गुणा x इजिकल टू 2 गुणा 10 बराबर 20 वर्ष हो जाएगी। यह है हमारे दोनों आंसर होंगे। मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो देखो, पुत्र की उम्र हम मान के चलेंगे, तो मान लेंगे हम, माना पुत्र की उम्र एक्स वर्ष है। जब पुत्र की उम्र एक्स वर्ष है तो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, तो पिता की उम्र हो जाएगी हमारी 4x वर्ष। कितनी हो जाएगी? 4x वर्ष। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि 6 वर्ष बाद पिता की उम्र, यानी 6 वर्ष बाद जब पिता की उम्र देखेंगे तो मैंने आपको बताया था पूर्व में माइनस करते हैं और बाद में प्लस करते हैं, तो 4x प्लस 6 वर्ष हो जाएगी। इसी तरह 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र x प्लस के 6 वर्ष हो जाएगी। प्रश्न में दिया हुआ है कि 4x प्लस 6 बराबर 5/2 ब्रैकेट में x प्लस 6 प्लस 6। यह समीकरण इसलिए आया है क्योंकि पिता की उम्र उसके 6 वर्ष बाद उसके पुत्र की उम्र की 2.5 गुनी थी। 2.5 गुनी मतलब 2 से 1/2, अर्थात हम इसे 5/2 भी लिख सकते हैं, इसलिए हमारे पास यह समीकरण आया 4x प्लस 6 बराबर 5/2 ब्रैकेट में x प्लस के 6 ब्रैकेट बंद प्लस के 6। जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस के 6 बराबर 5x/2 प्लस 30/2 प्लस के 6, 2 से 30 15 टाइम्स कट जाएगा। और आगे हम सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस के 6 बराबर 5x
बट्टे दो प्लस 21 हो जाएगा। x गुणांक को x की तरफ और अचर राशियों को अचर राशियों को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस के 5x अपॉन 2 बराबर 21 माइनस के 6। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8x माइनस 5x अपॉन 2 बराबर 15 बचेगा। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका हर कुछ नहीं होता है उसके एक मानेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x माइनस 5x बराबर हमारे पास आएगा 15 दूनी 30। जब 8x से 5x घटाएंगे तो 3x बचेगा बराबर 30 हो जाएगा। 3x बराबर 30, 3 से 30 दस टाइम यानी 10 बार कट जाएगा, इसलिए x बराबर हमारे पास आया 10। तब पुत्र की उम्र 10 वर्ष होगी, लेकिन पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, इसलिए पिता की उम्र 4x 4 इंटू 10 बराबर 40 वर्ष प्राप्त होगी। ये दोनों हमारे आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। यानी कोई वर्गाकार पार्क है, उसकी भुजा 30 मीटर है, उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है और उसमें क्या है, घास लगवानी है। घास लगवाने की दर है 2 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका पार्क है जिसे हमने नाम दे दिया है ए बी सी डी, और छोटे वाले पार्क को दे दिया हमने स्मॉल ए बी सी डी। तो पार्क की भुजा जो कि दी हुई है 30 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर है। देखो ये रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर है तो दोनों तरफ 1-1 मीटर चौड़ा है, इसी तरह स्क्वायर में इधर भी 1-1 मीटर चौड़ा होगा। तो अंदर के वर्ग की भुजा हो जाएगी 1 मीटर इधर से कम, 1 मीटर इधर से कम, यानी 30 माइनस के 2 बराबर 28 मीटर। अंदर वाले वर्ग की भुजा हो जाएगी 28 मीटर और बाहर वाले वर्ग की भुजा है 30 मीटर। तो बड़े वाले वर्ग यानी कैपिटल ए बी सी डी वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसलिए 30 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 900 मीटर स्क्वायर। इसी तरह स्मॉल वर्ग यानी छोटे ए बी सी डी वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 28 का स्क्वायर, जब 28 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 784 मीटर स्क्वायर। लेकिन पार्क में घास लगवाने का खर्च, यानी जब किसी का खर्च निकालते हैं तो दर इंटू क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल और जितने दर दी हुई है दर और क्षेत्रफल का मल्टीप्लाई करेंगे। तो दर हमारे पास 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर दी हुई है, लेकिन क्षेत्रफल हमारा अंदर वाले का पूछा हुआ है, क्योंकि घास हमें अंदर वाले में लगवानी है, बाहर तो रास्ता है ही। तो 784 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 784, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1568 रुपये, जो कि पार्क में घास लगवाने का खर्च होगा, जो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने अपने स्कूल के बगीचे में 150 पौधे लगाए, जिनमें कुछ जामुन तथा कुछ अनार के पौधे थे। जामुन के पौधों की संख्या और अनार के पौधों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है, 3 गुने से 2 अधिक है थी। जामुन तथा अनार के पौधों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए। यानी विद्यार्थियों ने स्कूल में पौधे लगाए थे जिन कुल पौधों की संख्या 150 थी, जिसमें अनार और कुछ जामुन के पौधे थे। तो सभी यानी अनार और जामुन के पौधों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे हम, माना अनार के पौधों की संख्या एक्स है, तब जामुन के पौधों की संख्या होगी, क्योंकि ये उसके 3 गुने से 2 अधिक हैं, 3x+2 हो जाएगी। जामुन तथा अनार के पौधों का योग, अगर हम इन दोनों के पौधों का योग देखते हैं तो x+3x+2 अर्थात हो जाएगा हमारे पास 4x+2। लेकिन प्रश्न में हमारे दिया हुआ है कि दोनों पौधों की योग यानी दोनों पौधों का योग 150 है, तब हो जाएगा 4x+2 बराबर 150। अचर राशि को इधर पक्षांतर करेंगे, ये प्लस किया तो इधर जाने पर नेगेटिव हो जाएगा, तो 4x बराबर 150 माइनस के 2, तो हमारे पास बचेगा 4x बराबर 148। 4 से जब इसे क्रॉस करेंगे तो ये 37 बार जाएगा, कटेगा, इसलिए x बराबर आया हमारा 37। x की वैल्यू आई 37। अनार के पौधों की संख्या हो गई हमारे पास 37 पौधे। जब जामुन के पौधों की संख्या हो जाएगी 3x+2, तो 3 × 37 + 2 बराबर 3 का गुणा 37 में करेंगे तो 111, और 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास पौधों की संख्या हो जाएगी 113। यानी अनार के पौधे हमारे पास आएंगे 37 पौधे और जामुन के पौधे आएंगे हमारे पास 113।
जब इन दोनों का योग करेंगे, उत्तर की जांच करते हैं, तो दोनों का योग 150 हो रहा है, यानी उत्तर हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर कार चुराकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग जाता है। यदि पुलिस चोर को 6 घंटे बाद में एक दूसरी गाड़ी जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है से पकड़ना चाहे, तो वह चोर को कितने समय में तथा कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। यानी एक चोर है जो चोरी करके भागा हुआ है और वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, उसी दिशा में पुलिस जाती है लेकिन वो 6 घंटे देर से, और उसकी गति होती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पुलिस उसे कितनी देर में और कितने समय में पकड़ पाएगी। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे चोर की चाल, यानी चोर किस गति से जा रहा है। चोर की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी एक घंटे में वह 30 किलोमीटर गति पूरी करता है। लेकिन पुलिस की चाल क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, यानी पुलिस चलती है 50 किलोमीटर एक घंटे में। लेकिन चोर और पुलिस दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो उनकी आपेक्षिक चाल हम ज्ञात करते हैं। तब दोनों की आपेक्षिक चाल को हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो आपेक्षिक चाल होती है दूरी, दोनों की दूरी में से लेस कर देते हैं, यानी 50 माइनस के 30 बराबर हमारे पास आपेक्षिक चाल आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी दोनों की आपेक्षिक चाल आएगी हमारे पास 20 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन चोर द्वारा वो 6 घंटे में दूरी चल चुका हुआ, यानी चोर 6 घंटे पहले चोरी करके भागा है, पुलिस 6 घंटे बाद उसे पकड़ती है। तो चोर द्वारा 6 घंटे में चली गई दूरी, चोर ने 1 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूरी तय की थी, तो 6 घंटे में 30 × 6 = हो जाएगा 180 किलोमीटर। चोर ने 6 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी तय कर ली है, अतः अब अभीष्ट समय ज्ञात करना है, यानी हमें उसे पकड़ने में, यानी पुलिस को पकड़ने में उसे कितना समय लगेगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे आपेक्षिक चाल, कुल दूरी बटे आपेक्षिक चाल। इसमें चोर की दूरी है 180 किलोमीटर और आपेक्षिक चाल है हमारी 20, दोनों का भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो ये 9 बार कटेगा, यानी हमारे पास समय आएगा 9 घंटे हमारे पास समय आएगा। 9 घंटे में पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, जब पुलिस 9 घंटे में तय की जाएगी दूरी, तो 9 × 50, क्योंकि पुलिस की रफ्तार थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए 9 × 50 करेंगे तो 450 किलोमीटर आएगा हमारे पास। अतः पुलिस 9 से 9 घंटे में और 450 किलोमीटर की दूरी पर चोर को पकड़ लेगी। ये दोनों हमारे आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि उस संख्या में 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवालों में हमें इकाई और दहाई के अंकों के रूप में संख्या माननी होती है। तो मान लेंगे, माना दो अंकों की संख्या 10x + y है, इसमें इकाई अंक y और दहाई अंक x है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 10y + x हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इनके अंकों के स्थान बदल रहे हैं, इकाई अंक पर x हो जाएगा और दहाई अंक पर y हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। हम मान लेते हैं जो संख्या है वो x + y है बराबर 12 है, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 12 होता है। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, इसे नाम दे देंगे हम आगे 10y + x बराबर 10x + y माइनस के 36, क्योंकि इसके अंकों के स्थान बदलने से 36 घटाने होते हैं उसमें से, तो 36 घटाएंगे तो ये समीकरण बनेगा हमारे पास। तो 10y + x बराबर ब्रैकेट में 10x + y माइनस के 36। जब इसे सॉल्व करते हैं तो 10y + x बराबर 10x + y माइनस के 36। x गुणांक को x के साथ और y वाले गुणांक को y के साथ हम पक्षांतर करेंगे। तो जब इन्हें पक्षांतर करेंगे तो 10y - y बराबर 10x - x माइनस के 36। जब 10y से माइनस y करेंगे तो 9y बचेंगे और 10x से 1x घटाएंगे तो 9x बचेंगे माइनस के 36। इसे इधर x y के साथ ले आएंगे तो 9y - 9x हो जाएगा बराबर माइनस के 36 हो जाएगा। इससे -9 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, क्योंकि दोनों में 9 कॉमन है, -9 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा x - y बराबर इधर बचेगा माइनस के 36। माइनस से माइनस हट जाएगा और 9 से ये 36 चार बार कट जाएगा तो x - y बराबर हमारे पास आया 4। ऐसे इसे हम दूसरा समीकरण का नाम दे देंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। जब दोनों समीकरणों के चिन्ह विपरीत हैं तो बिना साइन बदले, यानी चिन्ह बदले हुए हम जोड़ देते हैं, तो y से y कट जाएगा, x और x 2x हो गए और 12 और 4 16 हो जाएंगे।
टू एक्स बराबर सोलह हुआ, x बराबर होगा सोलह बट्टे दो, दो से सोलह आठ बार कटेगा तो x की वैल्यू आएगी हमारी x बराबर आठ। इस तरह x प्लस वाई बराबर बारह था हमारे पास, हमने इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे आठ प्लस वाई बराबर बारह, तो वाई बराबर बारह माइनस आठ, इसलिए हमें यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी चार। तब संख्या हो जाएगी हमारी दस एक्स प्लस वाई, जो कि हमने मानी हुई थी, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू आठ प्लस के 4 बराबर हमारे पास संख्या होगी 84, यानी वह संख्या होगी 84, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रूट एक्स प्लस वन अपन रूट एक्स बराबर 6 है तो x प्लस वन अपन एक्स का मान बताइए। इस तरह के प्रश्नों में एक शॉर्टकट की है वो हम बताएंगे अभी। तो सबसे पहले इसे नोट करेंगे, रूट एक्स प्लस वन अपन रूट एक्स बराबर 6 दोनों ओर का वर्ग करने पर। इस तरह के सवालों में जब स्क्वायर पूछा ही गया है या सिंपल पूछा है, क्योंकि ये रूट में है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये जानते हैं कि ये प्राप्त होगा, इसलिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमें इन्हें खोलेंगे, तो रूट एक्स प्लस वन अपन रूट एक्स का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यानी रूट एक्स में स्क्वायर प्लस के वन अपन रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू वन अपन रूट एक्स बराबर 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा x, और जो हमारे पास बचेगा स्क्वायर के बाद x प्लस वन अपन एक्स प्लस के 2 बराबर 36। इस संख्या को 36 की तरफ पक्षांतर करेंगे तो x प्लस वन अपन एक्स बराबर हो जाएगा 36 माइनस 2, एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर हो जाएगा 34, क्योंकि 36 से 2 घटाएंगे तो 34 आ जाएगा। तो ट्रिक है इसकी, जब एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर कोई राशि p दी, हमने p माना है, a मान सकते हो, z मान सकते हो, कुछ भी दी हुई है, अगर आपसे पूछा है एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपन एक्स स्क्वेयर आपसे पूछा है, तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे आप पी स्क्वेयर माइनस के 2, यानी जो मान दिया है उसका स्क्वेयर करेंगे, उससे 2 घटा देंगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ये जो वैल्यू दी है वही आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ मित्रों यह क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर। धन्यवाद मित्रों।